नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। इस बार यह घोटाला सोनीपत के बागवानी विभाग का है। लॉकडाउन के दौरान शराब के बाद अब किसानों को बागवानी विभाग से मिलने वाली अनुदान राशि में घोटाला उजागर हुआ है। यह घोटाला किसानों के फर्जी शपथ पत्र देकर किया गया है। यहाँ MIDH स्कीम के तहत मिल्चिंग पेपर लगाने को लेकर 1000 से ज्यादा किसानों के फर्जी शपथ पत्र पर करोड़ों का घपला किया गया। क्या यह सरकार किसान हितेशी सरकार है? किसान हितेशी सरकार होकर भी किसानों पर चौतरफा अत्याचार हो रहे हैं, जहां पे फर्जी शपथ पत्र पर करोड़ों रुपए डकार लिए गए। इसका खुलासा उस समय हुआ जब किसान अनुदान राशि के लिए विभाग में पहुंचे और वहां से पता चला कि उनके फर्जी शपथ पत्र लगाकर अनुदान राशि का रुपया एक कंपनी के नाम जारी करा दिया, जिस पर किसानों ने सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज कराई तो सोनीपत के एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी विजिलेंस जांच के लिए डीजीपी को रिपोर्ट भेज दी। किसानों द्वारा सीएम विंडो पर लगाई गई शिकायत की कॉपी हमारे पास भी मौजूद है, जो आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रही है। किसानों ने अपनी दी शिकायत में लिखा है कि जब वह बागवानी विभाग सोनीपत के कार्यालय पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनकी अनुदान राशि कई दिन पहले ही जा चुकी है, जिसे सुनकर किसान हैरानी में पड़ गए। बागवानी अधिकारी द्वारा किसानों का झूठा शपथ पत्र बनाकर उस पर फर्जी हस्ताक्षर करके अनुदान राशि को एक पॉली हब एग्रो इंटरनेशनल जींद किसी फर्म के खाते में पेमेंट कर दी गई, जबकि किसानों के खाते में कोई अनुदान राशि आई ही नहीं। किसान के खेत में ना तो कोई मिल्चिंग पेपर लगाई गई और ना ही उनके खाते में कोई भी पेमेंट आई। बिना शपथ पत्र दिए, बिना हस्ताक्षर किए यह कैसे संभव हो सकता है? इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। इस पूरे मामले में जब गोरड़ गांव के किसान जितेंद्र से जानकारी ले गए तो इन सभी ने बताया कि उन्होंने मिल्चिंग पेपर के लिए बागवानी विभाग में आवेदन किया था। उस समय सभी कागजात जमा कराए गए थे और आधार कार्ड लिंक वाले खाते की पासबुक में फोटोकॉपी भी जमा कराई गई थी, लेकिन उनको कोई अनुदान राशि नहीं मिली। और जिस शपथ पत्र के आधार पर अनुदान राशि निजी कंपनी के खाते में भेजी गई है, वह शपथ पत्र भी उन्होंने नहीं दिया, जो पूरी तरह से फर्जी है। सुनिए आप भी पहले के किसान ने इस पूरे घपले के क्या जानकारी दी। मेरा नाम योगेंद्र सिंह, गांव गोरड़ से। मैंने भी बागवानी स्कीम के तहत मल्चिंग लगवाने के लिए बागवानी विभाग में आवेदन किया था, जो कि लॉकडाउन से पहले की बात है। उसके बाद हमने लॉकडाउन के बाद हमने पता किया कि जो पैसे हमारे खाते में आने वाले थे, वो पैसे वहाँ के DHO ने मिलकर किसी जिंद की कंपनी को झूठे शपथ पत्र देकर और उसको ट्रांसफ़र करा दिए और उस पैसे से अपना कमीशन लेके और करोड़ों रुपया को घोटाला किया है। इसमें सैकड़ों किसान शामिल हैं जिनके पैसे किसी को नहीं दिए गए, ना कोई बताया गया उसके बारे में, और सारे पैसे वो DHO ने मिलकर खा लिए। इसके संदर्भ में हमने CM विंडो को भी शिकायत करी और DGP ऑफिस में भी गए और यहाँ पे पुलिस में भी रिपोर्ट की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। SP ऑफिस में भी बोल दिया, सब जगह एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन सरकार जो किसानों के हित के लिए बड़े बड़े दावे करती है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती है, उसका सारा फायदा और सारा पैसा ये भ्रष्ट अधिकारी मिलके और अपने खातों में, अपने जेब में डाल लेते हैं। तो इस तरह किसानों का जो पैसा है वो उन्हें नहीं मिल पाता। किसान आज भी पिस रहा है और सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार भी सिर्फ झूठे दावे करती है, कितनी भी कंप्लेंट कर लो कोई रिप्लाई तक नहीं देती है। इसके लिए सोनीपत में आज बहुत सारे किसानों ने इकट्ठा होकर और अपना रोष व्यक्त किया है और पुतला फूका है, लेकिन भारी पुलिस बल के चलते वहाँ पे उनको ज़्यादा रुकने नहीं दिया गया, जिसकी उन्हें बड़ी तकलीफ है, क्योंकि आज उनकी आवाज़ को भी दबाने की कोशिश की गई है। प्रशासन नहीं चाहता कि किसान अपनी आवाज़ भी उठाए। अब जैसे तैसे हर तरह से किसान को पीसने के लिए सरकार तैयार बैठी है और इसके लिए काफ़ी किसान
पीड़ित हैं, दुखी हैं, लेकिन अपनी शिकायत लेकर कहां जाएं, ये एक बड़ी चर्चा का विषय है। इस घोटाले को लेकर किसानों में गुस्सा है, किसानों में गुस्सा इतना है कि उन्होंने जोरदार नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे गुस्साए किसानों ने एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और इस घोटाले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। किसानों ने जोरदार नारेबाजी कर अपना गुस्सा प्रकट किया। देखिए आप भी कि किसानों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए। अब हम आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल जिले के लगभग 1000 किसानों ने आधुनिक खेती करने के लिए MIDH एकत्रित बागवानी विकास मिशन स्कीम के तहत खेत में मिल्चिंग पेपर लगवाने को मार्च 2020 में आवेदन किया था। आपको बता दें कि कई किसानों के सामने ये समस्या आती है कि उनके खेत में फसलों की उत्पादकता धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसे किसान प्लास्टिक मिल्चिंग का प्रयोग करके खेती की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। खेत में लगे पौधों की जमीन को चारों तरफ से प्लास्टिक फिल्म के द्वारा सही तरीके से ढकने की प्रणाली को प्लास्टिक मिल्चिंग कहते हैं। लगभग 1000 किसानों ने आधुनिक खेती करने के लिए MIDH स्कीम के तहत खेत में मिल्चिंग पेपर लगवाने को लेकर मार्च 2020 में आवेदन किया था। उसके बाद लॉकडाउन हो गया और मिल्चिंग पेपर नहीं लगाया गया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद किसानों ने बागवानी विभाग के कार्यालय में मिल्चिंग पेपर लगवाने के लिए सरकार से मिलने वाली 16,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान राशि के बारे में जानकारी मांगी तो उनको बताया गया कि उनकी अनुदान राशि जारी हो चुकी है। इसका पता चलने पर खुद किसान भी चौंक गए, क्योंकि उनके खाते में तो कोई अनुदान राशि पहुंची नहीं थी। उनके छानबीन करने पर पता चला कि अनुदान राशि एक निजी कंपनी के खाते में ट्रांसफर करा दी गई है, जो कि जींद की है, और इसके लिए किसानों के फर्जी शपथ पत्र लगाए गए हैं। इस पूरे मामले में किसानों ने उस समय सभी कागजात जमा कराए गए थे और आधार कार्ड लिंक वाले खाते की पासबुक की फोटोकॉपी भी जमा कराई गई थी, लेकिन उनको कोई अनुदान राशि नहीं मिली। और जिस शपथ पत्र के आधार पर अनुदान राशि निजी कंपनी के खाते में भेजी गई, वह शपथ पत्र भी उन्होंने नहीं दिया है, जो पूरी तरह से फर्जी है। इन सभी के साथ ही अन्य कई किसानों ने CM विंडो पर शिकायत की थी, तो अन्य अधिकारियों के पास भी इन किसानों ने शिकायत भेजी थी। सूत्रों की माने तो जैसे ही यह पूरा मामला SP सोनीपत जशनदीप सिंह रंधावा के संज्ञान में आया, तो उन्होंने इस मामले की जांच कराई और इसके बाद अपनी रिपोर्ट बनाकर विजिलेंस जांच के लिए DGP को भेज दिया। अब यहां सवाल यह उठता है कि किसानों की हितेशी सरकार बनी घपलों की सरकार। क्या यह सरकार घपलों की सरकार है या किसान हितेशी सरकार है? खुद को किसानों का मसीहा कहने वाली सरकार क्या किसानों का इंसाफ कर पाएगी? किसानों की हितेशी सरकार, जो भी उन पर अत्याचार हो रहे हैं, क्या यह किसानों की हितेशी सरकार है? यह सरकार राज है या घपला राज है? क्या बागवानी विभाग के अधिकारियों को कोई खौफ नहीं है, जो अपने मन माने तरीके से भोले भाले किसानों के हक के पैसे को कैसे डकार रहे हैं? हरियाणा में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। पहले धान घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, उसके बाद अब बागवानी विभाग से यह बड़ा घोटाला सामने आया है। सरकार घोटाले करने वालों पर कार्यवाही करने के बजाय उन्हें दबाने में लगी हुई है।
अब देखना यह होगा कि इस घोटाले की जांच होगी या नहीं, क्या किसानों को इंसाफ मिलेगा या यह केवल सरकार किसान हितेशी होने के दावे करती है, या उच्च पद पर बैठे अधिकारी सरकार की छवि खराब करने में लगे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।